hollow sphere. Writing down the moment of inertia of hollow sphere. ठीक, चलो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, सो हॉलो स्फीयर को हम कैसे ब्रेक करते हैं देखो। थीटा पे जाके डी थीटा का एक सेगमेंट लिया, तो ये डी थीटा का सेगमेंट का एक रिंग बनाएगा। कुछ बात समझ गए? और इस रिंग की थिकनेस क्या होगी? आर डी थीटा इफ रेडियस इज आर। कृपया यस ऑफ को पढ़ चुके आर डी थीटा। सो इस रिंग की थिकनेस कितनी हुई? आर डी थीटा। अब इस रिंग को ना ऊपर से देखो, टॉप व्यू, तो तुम्हें ये रिंग कुछ ऐसी दिखेगी। आर डी थीटा, और इस रिंग की रेडियस क्या होगी? आर कॉस थीटा। बोलो कोई तकलीफ? सही है। और देखो ये जो एक्सिस है, ये इस रिंग की ये वाली एक्सिस है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस रिंग का छोटा सा मास इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आर स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? अब इस रिंग का मास निकालते हैं। देख मेरी बात सुनो, लेट अस से इस स्फीयर का मास है एम। ठीक है, तो स्फीयर की एरिया मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, होती है 4πr², तो 4πr² में एम मास है, 1 मीटर स्क्वायर में m by 4πr², तो जो dm मास हुआ that is m by 4πr² into इसका dm, इसकी एरिया is 2πr into r d theta, circumference into thickness। so हमने लिखा 2πr cos θ into r d theta, कुछ ऐसा। सो पाई ने पाई को मारा, आर स्क्वायर ने आर को मारा, जो डीएम मास आया वो आया एम कॉस थीटा डी थीटा अपॉन टू। ठीक है, सो छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया दैट इज बीएम एम बाय टू इंटू कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इंटीग्रेट कर दिया, बात समझ गए? अरे ठीक है, ठीक है। इसकी लिमिट देखो, थीटा की लिमिट होगी -90 से +90। क्यों? यहां से यहां जब थीटा जाएगा तो इस साइड की रिंग ऑटोमेटिकली कवर हो रही है, तो इसकी हमने लिमिट लगाई -π/2 से π/2। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2π/3 r² सुबह के 4 बजे भी आपको याद होना चाहिए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर टू बाय थ्री हो गया ठीक है। सपोज अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है ठीक है। सो एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा सेगमेंट काटा तो क्या बना? ये क्या बना? हाँ?
सॉलिड स्फीयर में dx डिस्टेंस पे जाके जब आप एक सेगमेंट काटोगे तो आपको हॉलो स्फीयर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फेयर एनफ। अच्छा बहुत बढ़िया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 dm इंटू x स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? अरे ठीक है, अब सबसे पहले इसका मास निकालते हैं, dm, ध्यान से देखना। सॉलिड स्फीयर में मास जो है वो वॉल्यूम में होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब में मास है m, सो 1 मीटर क्यूब में मास है 3m बाय 4πr³। अब dm मास है 3m बाय 4πr³ इंटू इस हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम। हॉलो स्फीयर की वॉल्यूम होती है एरिया इंटू थिकनेस, सो हॉलो स्फीयर की एरिया है 4πx² इंटू dx। 4π ने 4π को मारा, dm मास आया 3mx² dx बाय r³, ठीक है, इसको उठा के हमने रख दिया यहां पे। सो हमें मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 इंटू dm 3m बाय r³ x² इंटू dx इंटू x² सो 3 ने 3 को मारा, 2m बाय r³ x⁴ इंटू dx, इसको इंटीग्रेट किया 0 से r, सो x⁴ का इंटीग्रेशन होता है x⁵/5, उसमें 0 रखोगे गायब हो जाएगा, 2m by r³ इंटू r⁵ अपॉन 2/5 r² सुबह के 4 बजे भी तुमको ये याद होना चाहिए। उतारो सॉलिड स्फीयर का 2/5 r² ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये तुम हालांकि पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, बट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, करता क्या है ये, कुछ नहीं है, इट इज एडिंग टू, ये चीजों को साथ में समेशन करके हमें आंसर दे देता है। सोच रहा था कि अगर तुमने आईआईटी नहीं निकाली या किसी अच्छे कॉलेज में नहीं, तो तुम्हारे इमोशंस की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्या लगता है? हाँ सर, तुम्हारे इमोशंस की कोई वैल्यू होगी अगर तुम किसी खराब कॉलेज में? कौन से कोई भी रैंडम इमोशंस, मतलब तुम्हारा क्या लगता है उस बारे में, क्या सही है तुम्हारा? नहीं होगी, मतलब कॉलेज से इमोशंस मैटर करते हैं? इंडिया में तो वही चीज़ ना, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, मतलब तुम ऐसा सोचो कि अगर तुम्हें किसी सड़क छाप कॉलेज चले गए, माता वैष्णो देवी हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, है ना, और तुमने घर आके पापा को बोला, पापा मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, ये करता है। और दूसरा एंगल सोच, तू IIT दिल्ली पहुंच गया, थर्ड ईयर में तेरा प्लेसमेंट लग गया गूगल में 50 लाख का, अब तू घर आएगा बोलेगा डैड आई लाइक अ गर्ल, हाँ बेटा कौन है? है ना बेटा, कॉलेज हैज इंपॉर्टेंट, क्या बोला लगे ना?
हो गया, मिटा दो ये, मिटा दो ये, मिटा दो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया आके यहाँ पे, आके यहाँ पे गोरी तेरा, पढ़ती थी अभी तेरे को, अभी तो तू अच्छे कॉलेज में भी नहीं है, जा इसके बाद ना सुनना मेरी बात ध्यान। हॉलो सिलेंडर देखा है कभी? अबे हॉलो सिलेंडर देखा है कभी? अबे देखा है ना? सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब खाली ड्रम, सॉलिड सिलेंडर मतलब भरा हुआ ड्रम, क्या बोलते हो यार? मान लो एम मास का सिलेंडर है, आर रेडियस का, और ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। समझ में आ रहा है कैसे घुमा रहे हैं अपन? ऐसे घुमा रहे हैं सिलेंडर को, ऐसे बात है, ऐसे घुमा रहे हैं एकदम लेटा के, बढ़िया पैर मार के इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं गोल गोल। वैसे ही अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसको घुमाना सिंपल है कभी? चलो तुमने ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, तुम्हें क्या लगता है किस सिलेंडर को तुम इजीली घुमा पाओगे, भरे हुए को कि खाली को? सॉलिड। अगर जवाब दे रहे हैं शर्मा मत, बता कौन सा सिलेंडर घुमाना ज्यादा आसान है, भरा हुआ या खाली? हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, इतना दिमाग होता तो बात ही क्या थी, करना इसको ट्राई करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि आप इस सिलेंडर को ज्यादा इजीली घुमा पाओगे, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है? कोई खास रखने की टेक्निक नहीं है, तू ऐसा सोच, हॉलो सिलेंडर को ऑब्जर्व कर, जब आप हॉलो सिलेंडर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको सडनली ऐसा एहसास होगा कि सर ने हमारे सामने एक मोटी रिंग रख दी है, इस रिंग को अगर मैं बहुत मोटा कर दूं तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, और रिंग का सेंटर एक्सिस के अबाउट कितना होता है? वैसे ही वो क्या रखा हुआ है? एक मोटी डिस्क। फिर बात समझे, ठीक है? उतार दोनों सिलेंडर, सॉरी बच्चे, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर में, उसमें क्या परेशानी है? अरे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ना बच्चे,
इनके प्रूफ अपन बाद में करेंगे। ये क्या है, होमोमोर्फिज्म। सॉलिड कोन, ट्रायंगुलर प्लेट का होता है एमएच स्क्वायर बाय 6, सॉलिड कोन का होता है 3/10 एमआर स्क्वायर, और हॉलो कोन का होता है एमआर स्क्वायर बाय बाय अबे बाय बाय 3 कहां पर पढ़ा है तुमने? अभी तक जितने बाय पढ़े उसमें बाय 3 कहां पढ़ा है? इसके बराबर एमआर स्क्वायर बाय 2, 3/10 एमआर स्क्वायर और एमएच स्क्वायर बाय 6। So, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सारे सेंटर ऑफ मासेस अपने को रटने हैं। सॉलिड कोन और हॉलो कोन में किसको घुमाना आसान है? ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कि कम? दादू और सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया साहब। अब एक्चुअली चक्कर क्या है कि अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही पता नहीं, सारी एक्सिस के अबाउट। तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रॉड की किसी एक एक्सिस के अबाउट पता है, रिंग की किसी एक एक्सिस के अबाउट पता है, बट अपने को अगर किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या पूछ लिया गया, तो दैट कैन बी डन यूजिंग टू थ्योरम्स। दो थ्योरम्स हैं, उनको यूज करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। ठीक है, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ध्यान से देख। सपोज ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये अपनी जेड एक्सिस है, और यहां पे कोई एक रैंडम बॉडी है मास एम एक्स कोमा वाई, तो ये डिस्टेंस है वाई, ये डिस्टेंस है एक्स, एंड जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो कोई तकलीफ? सपोज मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। सो हम क्या करते हैं, एमआर स्क्वायर, इस बॉडी का मास है एम और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है वाई, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम इंटू
y स्क्वायर, ठीक है। सपोज मैं आपसे बोलूं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, सो m इंटू एक्स स्क्वायर, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर तुम लॉजिकली देखो तो दो एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके थर्ड एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। दिस इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज, जिन एक्सेस के पे आप ये थ्योरम लगाओगे वो तीनों एक्सेस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तीनों एक्सेस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इंटरसेक्शन का पॉइंट बॉडी के अंदर हो बॉडी के बाहर हो इससे कोई फर्क। चौथा पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर ऑफ मास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या मेरी बात समझे? इस पॉइंट में इसलिए बता रहा हूं कभी कभी एसोसिएशन रीजन स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं तो अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई क्या है। तो ये तीनों एक्सेस हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तीनों इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, पर वो पॉइंट बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर कहीं भी हो सकता है और वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा ये जरूरी नहीं है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर? उदाहरण से उसके बाद जो दिखा रहा हूं वो लिख, और पांचवा पॉइंट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेनर बॉडी पे लगती है। ये बात भी समझ में आ रही है? अगर ये बॉडी नॉन प्लेनर है तो उस पर लगाने का कोई मतलब बॉडी एक ही प्लेन में होनी चाहिए, या तो एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में, किसी एक प्लेन में होनी चाहिए। मतलब ये पता है कहां लगेंगी? ये लगेंगी रिंग पे, डिस्क पे, ये स्फीयर में नहीं लगेंगी, कोन पे नहीं लगेगी। बात समझे? लिखो, सपोज यू हैव अ प्लेनर बॉडी, सपोज यू हैव अ प्लेनर बॉडी, टेक टू एक्सेस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। सपोज यू हैव अ प्लेनर बॉडी, टेक टू एक्सेस in the plane of the body, bracket likho, let us say I1 and I2, let us say I1 and I2 bracket close comma, then I3 is equals to I1 plus I2
where I3 is, I3 is equals to I1 plus I2, where I3 is moment of inertia about axis. Moment of inertia about axis perpendicular to both the axes I1 and I2. Perpendicular to both the axes I1 and I2 and pass through the intersection of both the axes and pass through the intersection of both the axes. Next slide, मेरे को important point. Important points. पहले को body has to be planar. दूसरा लिखो, the three axes should be mutually perpendicular to each other. तीसरा लिखो, the point of intersection can lie outside the body. The point of intersection can lie outside the body. चौथा लिखो, the point of intersection. The point of intersection will not necessarily pass through center of mass. The point of intersection will not necessarily pass through center of mass. ठीक है? हो गया बच्चे, देख इसका एप्लीकेशन. जैसे मान लो मैं आपको बोलूं, यू हैव अ रिंग, रिंग विद मास एम, रेडियस आर. ठीक है, रिंग मास एम, रेडियस आर. रिंग में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr2. कितना? मान लो मैंने आपसे पूछा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, अब ध्यान दीजिए. लेट अस से कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई. कितना है? तब तो क्या रिंग एक प्लेनर बॉडी है, मतलब अपन परपेंडिकुलर एक्सिस पे लगा. लेट अस से इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सेम आई, दोनों सेम ही तो एक्सिस है, दोनों एक्सिस में कोई फर्क. और परपेंडिकुलर पॉइंट से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr2. क्या तीन परपेंडिकुलर एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? इसका मतलब आई प्लस आई इज इक्वल्स टू, सो आई इज इक्वल्स टू
एम आर स्क्वायर बाय क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? अरे ठीक है, तो सोच इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट छोटा है। अब तू रिंग को इमेजिन कर, रिंग को ऐसे गोल गोल घुमाना जैसे ये अपना कड़ा नहीं होता है, हाथ में कड़ा पहना किसी ने, है ना, लग रहा है। जैसे मान लो मैं इसको लॉजिक पे बात करते हैं, ठीक है, कड़ा नहीं है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे घुमा, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर और एक मैं इसको ऐसे घुमाऊं, समझ रहे हो ना, तो एम आर स्क्वायर बाय क्यू। क्या लॉजिक ही तुमको पता है कि ऐसे घुमाओगे तो ज्यादा देर तक घूमेगा? एक छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आई बात? बॉडी को घुमाना ज्यादा आसान होता। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, जाने जिगर जाने मन, 100 किलो तेरा वजन, तू जो मुझ पे गिर गई मर जाऊंगा मैं सनम। ये रिंग का हो जाए तो डिस्कस करना, सिमिलर है। ये हो गया बेटा, कितना आया? एमआर स्क्वायर बाय 4। सबका आया क्या? अनवी आया बच्चे? आई प्लस आई इज इक्वल टू एमआर स्क्वायर बाय 2, सो आई इज इक्वल टू एमआर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें होती हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, प्लेनर बॉडीज पे 99% टाइम ऑफ द केसेस दिस को रिंग की बात होगी, क्योंकि ये दो प्लेनर बॉडीज हैं। और सुनो, ये थ्योरम सबसे ज्यादा यूज होती है क्योंकि ये प्लेनर नॉन प्लेनर सब पे लगती है। इस पे कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इट हैज टू बी प्लेनर, इट हैज टू बी नॉन प्लेनर, मतलब ये स्फीयर कोन हर जगह लगेगी, ठीक है। सपोज कोई अपने पास बॉडी है, ध्यान सुनो, सपोज ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, और इससे एक एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा आई सी ओ है,
ठीक है। लेट अस से इससे डी डिस्टेंस पे एक दूसरी एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है और इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है डी। सो ये थ्योरम बोलती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फॉर्मूला इज पहली चीज में बॉडी प्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज वन ऑफ द एक्सेस शुड पास थ्रू, इसलिए आपको पता होना चाहिए पहले तो कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां है, बात समझ रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई और आई सी ओ एम ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इसी तो नाम है पैरेलल एक्सेस। ठीक है अच्छे दारो सवाल करते हैं इसमें। तो दिया सेंटर ऑफ मास नहीं, कुछ दिया नहीं होता, दिमाग लगा के निकालना पड़ता। सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ तो चुके हो, हाँ तो पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का। देते नहीं है, देगा क्यों अगर देना ही है तो। फॉर्मूले को लिख के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला लिखो, बॉडी शुड नॉट बी नेसेसरली प्लेनर। Body should not be necessarily planar. दूसरा लिखो, one of the axes should pass through center of mass. One of the axes should pass through center of mass. तीसरा लिखो, both the axes should be parallel. Both the axes should be parallel. चौथा लिखो, D is the perpendicular distance between the axes. ऐसा नहीं आर्बिट्रेरी डिस्टेंस ले लो, D is the perpendicular distance between the axes. अब देखो दो थ्योरम आपके पास हैं, दिमाग लगाओ निकालने की कोशिश करो, कोई भी थ्योरम यूज करो जो तुम्हारा मन करे दिमाग लगा के। सॉलिड स्फीयर है, मास एंड रेडियस आर, यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। हाँ बोलो कौन सा पॉइंट। आई इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर।
आ गया कितना? बहुत बढ़िया। और किस किस का आया? 7/5 है आया। देख मेरी बात सुन, कुमारी को बात परेशान तो पहले साहब पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस पे लग सकती है, बॉडी प्लेनर ही नहीं है तो अपने पास बची कौन सी? सेंटर ऑफ मास कहां होता है स्फीयर का? सेंटर पे। और क्या सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कितना? 2/5 mr2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सॉरी थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस mr2 दैट इज 7/5 mr2। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई? रिंग मास एंड रेडियस r। अब पता है किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे बता दो करते चलो। ये भी डालो आगे क्या? कितना? mr2/2 क्या घुसा है इस सवाल में? गणित घुसा गया और कुछ नहीं किया। देख देख तेरे को तेरे ऊपर शर्म आएगी। देख ना शर्माए नाम पर लड़ूंगा। देख क्या ये रेडियस आ रहा है? अरे बोलिए सॉल्व। ध्यान से देखना इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हम जानते हैं? रिंग का mr2/2 अभी निकाला था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अरे ये सुन लो ऐसे ही ना। अब देख क्या सेंटर ऑफ मास भी है? ये रिंग का सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर से अगर कॉर्ड पे बाइसेक्टर घुसा है तो क्या वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिए? ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी। अरे ये सुन लो तो ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री। अगर ये 45 हुआ तो डिस्टेंस कितनी हुई? r/√2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr2 प्लस m r/√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू mr2 प्लस mr2/2 इज इक्वल्स टू 3/2।
इसमें क्या टफ है तुम लोग देख लो। अरे ये एमआर स्क्वायर बाय टू लेना, सॉरी बात समझ आई। अपने आप से पूछ, अपने आप से इसमें क्या टफ था, ऐसा क्या था इसमें जो तुम्हें नहीं आता था। तुमने डायग्राम ठीक बनाया है अनवी, तुमने डिस्टेंस आर क्यों ले ली। वहां पे दो एक्सेस के अबाउट निकालना है, एक ये और एक ये, एक एक करके निकालना। कौन सा रेड या ब्लू? रेड वाला ना सर, ब्लू इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जी क्या होता है डिस्क का? एमआर स्क्वायर बाय 4। अभी निकाला था परपेंडिकुलर एक्सिस के रूप से, अरे सही है। सो इसके अबाउट कितना होगा? एमआर स्क्वायर बाय 4 प्लस एमआर स्क्वायर, अरे ये सॉल्व ब्लू वाले के अबाउट में चलो।
एमआर स्क्वायर बाय 2 इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है रिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो ये भी तो इसके पैरेलल ही है एमआर स्क्वायर बाय 2 प्लस एमआर स्क्वायर 3 बाय 2 एमआर स्क्वायर पता नहीं क्या सोच रहे थे आधी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है आएगा सो बेसिकली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसके अबाउट होता है एमआर स्क्वायर तो ये हो गया एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो कोई तकलीफ अरे पक्का वो सेंटर ऑफ पास बहुत बढ़िया इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना मैं ऐसा ब्रैकेट अबे ये सेंटर ऑफ मास है क्या रिंग का नहीं सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है इसलिए याद होना चाहिए सेंटर ऑफ मास कहां होता है अरे अबे ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है क्या सेमी सर्कुलर ये क्वेश्चन पता है रियलिटी में बहुत टफ है आसान सवाल नहीं मैं तुम्हें बता देता हूं ये सवाल कैसे होगा ध्यान से देख इसका सेंटर ऑफ मास है यहां कहीं At a distance of 2R by pi. सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इसके और इसके बीच में ध्यान से देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर दिस इज आई सी ओ एम सो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम इंटू टू आर बाय पाई का यहां से ये निकलेगा यहां से ये निकलेगा कुछ बात समझ आई उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों के बीच में और ये डिस्टेंस कितनी है आर माइनस कैलकुलेटिव है ये पावर दो सवाल है आसान नहीं है पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सिखाता है कि कई बार बच्चा जल्दीबाजी में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भूल जाता है भूलने का नहीं याद रखने का बराबर सवाल का दिमाग तो चाल रहे है
ऐसे रिंग्स देखी है कभी? उतार लो बेटे को, चलो आराम से, फिर अपन इस पे आते हैं। ऐसे रिंग्स देखी है कभी? ये समझ में आ रहा है क्या है? छल्ले है, छल्ले, एक ऐसे रिंग है उसमें एक ऐसे रिंग लगा दी है, समझ रहे हो बात को? ऐसे सर्कुलर रिंग में एक ऐसे रिंग लगा दी, कुछ इस टाइप का सेटअप है। आपसे पूछा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सेस के ऊपर। पहली चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन की हमें परेशान नहीं होना है क्योंकि इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आई? देख, ध्यान सुन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिखता हूं मैं, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मैं ऊपर वाली रिंग का लिखूंगा, तो ऊपर वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज एमआर स्क्वायर, और यही सेंटर ऑफ मास भी है, तो इसके अबाउट में लिखूंगा एमआर स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है यार। पहले तो इसमें कोई तकलीफ, ऊपर वाले रिंग का तो काम हो गया। अरे ठीक है, अब नीचे वाली रिंग की बात करें। नीचे वाले रिंग को अगर आप यहां से देखो साइड से, तो नीचे वाली रिंग आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है, और इसके पैरेलल जो एक्सिस होगी वो ऐसे होगी। पहले तो ऐसा होगा, अरे बात समझ, इसके पैरेलल जो एक्सिस होगी जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी वो ये होगी, अरे ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एमआर स्क्वायर बाय, और इससे कितनी डिस्टेंस ऊपर हमसे पूछा गई है? 3r, r 2r, अरे बात समझ। सो प्लस mr square by 2 plus m into जो भी आएगा वो आंसर है। देख कॉम्बिनेशन के सवाल, कुछ बात समझ आई? So, rod का इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है ml square by 3 at a distance of l by 6 एक एक्सिस है, उसके अबाउट निकालना है। फिर उठ रहा है,
अब आप जितना भी पढ़ोगे ना फिजिक्स में, रोटेशनल डायनेमिक्स, उसके बाद केटीजी, हीट, फ्लूइड्स, उसके बाद ऑसिलेशंस, सो आपके तुम सबने सीबीएसई बोर्ड लिया है, किसी ने एचएससी बोर्ड लिया है, तो एचएससी बोर्ड में इस चैप्टर से लेके आगे आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे वो सब क्लास 12 में, तो नेक्स्ट ईयर आपको यही सब रिवाइज करना है फॉर बोर्ड्स, ठीक है? क्या सोच रहे हो तो बताओ, समझ क्यों रहे हो? सही है, पहले इससे यहाँ पहुंचेंगे फिर इससे यहाँ पहुंचेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा। अरे आया क्या? अरे पक्की बात, इसके अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम एल बाय 3 का होल स्क्वायर। सर प्लस क्यों होगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 9। सॉरी बच्चे, माइनस प्लस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। तो माइनस क्यों होना चाहिए? माइनस तो पहले होना चाहिए ना, ये निकाल लेंगे। अरे यहाँ माइनस होगा ना, दिस माइनस दिस, दोबारा जब लगाएंगे तो थोड़ी ना, नहीं तो वो पीछे जाता है तो ऐसे फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस ही तो है यार, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई। थी सो 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36 7 स्क्वायर बाय 36। कितना आ रहा है? 7 बाय 36 7 स्क्वायर बाय 36। कैलकुलेशन दिख गया ना,